हेलो फ्रेंड्स, बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है गति। क्या है फ्रेंड, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है गति, कि गति क्या है फ्रेंड्स, क्या है कि गति के बारे में आज हम पढ़ने वाले। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स अपनी क्लास 9th 10th 11th 12th की फिजिक्स चैप्टर से फ्रेंड्स ये देखने को मिलता है। क्या फ्रेंड, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको 100% को दिखता है फ्रेंड। गति के नियम होते हैं फ्रेंड्स, गति के तीन नियम होते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का सेकंड नियम, न्यूटन का थर्ड नियम। तो फ्रेंड्स आज हम इस गति के साथ न्यूटन का फर्स्ट नियम यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लॉन्ग ना करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस की ओर। जब तक मैं फ्रेंड क्वेश्चन पढ़ता हूं, जब तक आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपके लिए मिलती रहे। तो फ्रेंड्स देने करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस की ओर। यहां पर क्वेश्चन देखा फ्रेंड्स, क्या फ्रेंड्स, हम मैंने पिंक कलर में फ्रेंड्स क्वेश्चन लिखा और फ्रेंड्स यहां पर ब्लैक कलर में क्या फ्रेंड्स उसके उदाहरण है, क्या उदाहरण है। तो यहां पर फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड क्वेश्चन तो नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन मैं ये क्या फ्रेंड, ये हेडिंग के तौर पे क्या फ्रेंड, गति मोशंस क्या फ्रेंड्स आज हम इसे पढ़ने वाले। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा हो तो वह वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। क्या फ्रेंड्स, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा हो तो वह वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। जैसे सड़क पर दौड़ती मोटरकार, वायुयान में उड़ता हुआ वायुयान तथा नदी में चलती हुई नाव। जैसे एक बार और बता देता हूँ फ्रेंड्स आपको, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा हो, जैसे किसी वस्तु की फ्रेंड्स क्या है, जैसे एक वस्तु है, अब इसे के समय से अनुसार इसके साथ कोई परिवर्तन हो रहा हो, क्या है फ्रेंड, जैसे इसे कोई परिवर्तन हो रहा है, मान लीजिए एक पेन के साथ समय के अनुसार इसमें क्या फ्रेंड एक परिवर्तन हो रहा है, क्या फ्रेंड ये उधर उधर हिलाया जा रहा है, क्या फ्रेंड हो रहा हो, तो वह वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। क्या फ्रेंड्स, अभी मैं इसको फ्रेंड्स इस पेन को फ्रेंड मैं मोशन कर रहा हूँ, क्या फ्रेंड अभी गति कर रहा हूँ मैं, कभी इधर इसे चला फिर रहा हूँ, तो ये क्या फ्रेंड ये गति की अवस्था में, क्या ये पेन, जैसे सड़क पर दौड़ती हुई मोटरकार, क्या फ्रेंड सड़क पर दौड़ती हुई मोटरकार क्या कहलाएगी, गति में क्या कहलाएगी, वस्तु वायुयान में उड़ता हुआ वायुयान और तथा नदी में चलती हुई नाव, ये क्या कहलाती है, गति के उदाहरण और क्या फ्रेंड गति कहलाती है। अब हम बात करते हैं गति की न्यूटन का गति का प्रथम नियम, क्या फ्रेंड आज हम न्यूटन का गति का प्रथम नियम और उसके साथ फ्रेंड्स क्या एक एग्जाम्पल भी पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लॉन्ग ना करने, देखते हैं क्वेश्चन की ओर। अब फ्रेंड्स आती है गति के न्यूटन का प्रथम नियम के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, गति के प्रथम नियम अनुसार यदि कोई वस्तु भ्रामावस्था में है तो वह भ्रामावस्था में ही बनी रहेगी, और यदि वह एक सरल रेखा में एक समान वेग से चल रही है तो उसी प्रकार चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई प्रवाह, क्या फ्रेंड्स, कोई बाहर से बल ना लगाया जाए। गति के प्रथम नियम अनुसार सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में ही किसी परिवर्तन का विरोध करती हैं। वस्तुओं के अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति ही जड़त्व कहलाती है, अतः इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्या फ्रेंड्स, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। एक बार और बता दूँ फ्रेंड्स आपके लिए, गति के प्रथम नियम अनुसार यदि कोई वस्तु ब्रह्म अवस्था में है तो वह ब्रह्म अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक सरल रेखा में ही एक समान वेग से चल रही है तो उसी प्रकार चलती रहेगी जब तक कि उस पर प्रवाह बल ना लगाया जाए। गति के प्रथम नियम अनुसार सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में ही किसी परिवर्तन का विरोध करती हैं। वस्तुओं को अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति ही जड़त कहलाती है, अतः इस नियम को जड़त का नियम भी कहते हैं। उदाहरण फ्रेंड्स, इनका उदाहरण है, यदि कोई पुस्तक मेज पर रखी है तो वह जब तक उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर बाहर से कोई बल लगाकर उसे वहाँ से हटा ना दिया जाए। क्या फ्रेंड्स, यदि कोई पुस्तक मेज पर रखी है तो जब तक उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर बाहर से कोई बल लगाकर वहाँ से हटा ना दिया जाए। तो फ्रेंड्स ये हो गया आज का आपका न्यूटन का प्रथम नियम और फ्रेंड्स गति के बारे में आज हमने परीक्षा पढ़ ली। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आपके लिए जो क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आज का जो न्यूटन का प्रथम नियम है आपके लिए काफ़ी अच्छी तरह से आ गया होगा। अगर फ्रेंड आप चैनल पर नए आए हो तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए मिल जाए। और फ्रेंड्स मैं डेली फ्रेंड्स न्यूटन का आज हमने फर्स्ट नियम डाला है फ्रेंड, मैं कल को न्यूटन का सेकंड और फ्रेंड्स परसों को मैं न्यूटन का थर्ड नियम डालने वाला हूँ। तो फ्रेंड इससे आपको ये कोई वीडियो फ्रेंड आपके लिए मिलती रहेगी, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी वाली जो भी मैं डालूँ आपके लिए फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट पहले मिल जाए। तो फ्रेंड आज के बस नए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।